बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज के इसमें देखने वाले हैं जो भी छात्र देख सकते हैं ये है जो यहाँ सिंपल तरीके से बोला जाए कि जो बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है 2022 का पेपर देख रहे हैं। ये कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है बेटा, कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है, बॉटनी का फर्स्ट पेपर। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो क्वेश्चन मैंने हमने दिए थे वही क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं। और मैंने अभी एमजेपी आर्य रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के पेपर होने वाले अभी 18 तारीख से, तो उन छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप हमने जो इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन दिए हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन वही पढ़िए, बाकी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं। देखिए यदि आप टॉप करना चाहते हैं, 2022 के टॉपर बनना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। यहां बॉटनी के फर्स्ट पेपर की बात करने वाले हैं, 2022 का पेपर देख सकते हैं किस तरीके से पूछा गया है, इस पेपर में क्या क्या बना है पहले वो बात करेंगे। देखो सेक्शन नंबर ए में यहां वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए यहां, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन की एक कंपेयर कर सकते हैं उसमें, तो वहां हमें एमजेपी आर्य रोहिलखंड में भी देखने को मिलते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो पूछे गए हैं कानपुर यूनिवर्सिटी में, वो आप देख सकते हैं कि लघु त्रिवृषण है। अब यहां जो सेकेंड ईयर की बात करने वाले हैं, देखो 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। अब यहां जो बात की जाए, पहला क्वेश्चन की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं हमसे, देखो यहां नोमिकल्चर के बारे में बात की गई, एक पादप है, एक पौधा होता है, उसका नामकरण हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है, उसके राष्ट्रीय संहिता के बारे में बताना होता है, इंटरनेशनल जो कोड होता है उसके बारे में आपको बताना होता है, बॉटनिकल नोमिकल्चर के बारे में, ठीक है। और ये मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, वही देखो क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो रोवल्फिया है इस क्वेश्चन के बारे में नहीं दिया था, तो छोड़ दीजिए। या नीचे वाले देखो, एक कुल आपके सामने एक फैमिली पूछी गई है, देखो एक कुल पूछा गया है जिसे हम सुलेनसी कुल कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, पूरा क्वेश्चन फंसा है। आप 3-3 नंबर का लगा सकते हैं, क्योंकि जो हम क्वेश्चन देते हैं वही पेपर में आता है, ये बात कंफर्म नहीं, बिल्कुल हकीकत है, और इस पर आपको अमल करना होगा, विश्वास करना होगा, सबसे बड़ी बात है। देखो दोनिस्टेशन, डबल फर्टिलाइजेशन पूरा क्वेश्चन आया, ठीक है, पेरिडर्म क्या होता है ये पूरा क्वेश्चन आया, आप देख सकते हैं जो हमने क्वेश्चन दिए थे भाई, ठीक है। देखो कॉर्टिकल जो बंडल होता है ये क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया, छोड़ दीजिए। अब देखो यहाँ 6 क्वेश्चन है, अब 6 क्वेश्चन में केवल 2 क्वेश्चन नहीं बचे, मतलब 4 क्वेश्चन बचे, 3 नंबर के हिसाब से 4 3 12 नंबर के हो जाते हैं, क्लियर हो गया 12 नंबर। सेक्शन नंबर बी में पहुंच जाओ, सेक्शन नंबर बी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए बेटा, सेक्शन नंबर बी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए, और कह रहा है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के कितने हैं 8 नंबर का है। यहाँ देखो सभी प्रश्नों के उत्तर देना था, देखो सभी प्रश्नों को उत्तर देना था, वेरी शॉर्ट सॉरी शॉर्ट क्वेश्चनों में। अब यहाँ बात करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन के आंसर देना है, 8 नंबर का 1 क्वेश्चन है। अब आप के सामने है देखो हरिसेन द्वारा जो वर्गीकरण करना है, पूरा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का फंसा है, बताइए फंसा नहीं फंसा। देखो हम जो कहते हैं वही होता है, इस बात को याद रखना है, कंफर्म नहीं विश्वास करना होगा। ये क्वेश्चन को देखिए, 8वें क्वेश्चन को, यहां देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है वनस्पति नामों के बारे में, लेकिन एस्ट्रेसी कुल के बारे में हमने इंपोर्टेंट नहीं दिया, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, बात खत्म करो। यहां देखिए बात, यहां कुलों के बारे में अंतर बताना है, कुछ कुल यहां दे रखे हैं, जैसे कि आपको लिमेसी कुल के बारे में दे रखा, ठीक है, लिमेसी कुल और जो कॉम्पिटेंडी कुल है इन दोनों में आपको अंतर बताना है। इसमें साथ ही साथ मालवेसी जो कुल आ गया, ठीक है, रुटेसी कुल, देखो मालवेसी और लेमिनेसी कुल, ये सारे मैंने इंपोर्टेंट कुल दिए थे, 4 से 5 कुल जो आपको हर बार में पेपर में पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन फंसा है, 2 क्वेश्चन हमसे करने के लिए बोल रहा था। अब यहां देखिए 5वें क्वेश्चन में संक्षेप में टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है, इन पर आप टिप्पणी लिखिए। देखो यहां बॉटनिकल गार्डन के बारे में पूछ लिया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया, फॉर्मेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में इसको छोड़ दीजिए। और यह है बीजांड्स, इसके बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था मैंने, ये देखिए फंस चुका है। और यह है गाइनो वेक, कह सकते हैं वैसिक स्टाइल क्या होता है, तो ये क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया था, बाकी 2 यहाँ क्वेश्चन छपे हैं आप देख सकते हैं, तो आप इनमें से कर सकते हैं, 4 को आप टिप्पणी लिखना है। अब देखो कह रहा है संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है, ऑन टिप्पणी, तो आप देख सकते हैं शॉर्ट में टिप्पणी लिख दीजिए, 4 पर आप देख सकते हैं 8-8 नंबर का, 2-2 क्वेश्चन के समझ सकते हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन फंसे हैं शॉर्ट। आप देखो यहाँ सेक्शन नंबर सी में जाएंगे तो यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन करना है, वो भी 8-8 नंबर के, ठीक है। अब यहाँ देखो ऊपर की बात करें, देखो यहाँ क्या कह रहा है, डबल जो कह सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, ये पूरा क्वेश्चन फंसा है 8 नंबर का, देखो ठीक है पूरा क्वेश्चन फंसा है। देखो उसके बाद में आपको यहाँ देखो आ गया डेवलपमेंट ऑफ मेल जेनोटोफाइट, पूरा क्वेश्चन आ गया, हमने कहा था कि नर और मादा दोनों देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही फंसा है। देखो यहाँ देखिए बात करने वाला है किसी, कह रहे हैं निम्न पर आपको संक्षिप्त वर्णन करना है, एक द्विपत्री और द्विपदीपत्र दोनों अंतर, पूरा क्वेश्चन देखो वही फंसा है, 8-8 नंबर का पूरा फंसा है। यहाँ बात की जाए संकेतित जो कैसे, एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दिया था, ठीक है, मंडल के बारे में नहीं दिया था, और हिस्ट्रोजन इस बार थ्योरी के बारे में नहीं दिया था, छोड़ दीजिए। मूल स्तंभ इसको भी नहीं दिया था मैंने, हटा दो, इसको भी मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया था, बात खत्म करो। इसको देखिए 2 नंबर वैसे पूरे छप चुके हैं, दोनों जो ऊपर बताए थे वही फंसे हैं जो हमने बताया था। और देखो यहाँ आ गया ट्रिपल, इसको भी नहीं दिया था, और
देखो एमपी बॉक्सेस के बारे में इंपोर्टेंट दिया था, जैसे हम असंघ जनन बोल सकते हैं, ये पूरा क्वेश्चन फंसा है, देख सकते हैं 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने शायद पॉली मेम्ब्रियन के बारे में नहीं दिया था, छोड़ दीजिए, और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में ये क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट दिया था, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन फंसा था, 2 2 नंबर 4 नंबर का यहाँ फंस गया, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आप पूरा ऊपर वाला करिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करिए और ऊपर वाला इसका डोनेशन वाला करिए, ये पूरा 8 16 नंबर का ये हो जाता है, और ऊपर आप लगा लीजिए, ज्यादा नहीं तो आप 14 नंबर ऊपर लगा लीजिए लॉन्ग में, देखो देखो आपके कितने थे, 12 नंबर वो थे, 14 नंबर और 16 नंबर, ज्यादा मत लगाइए, कितने हो गया ये, फिर और कम कर सकते हैं, 12 नंबर कर सकते हो, 4 नंबर फंसे तो देखो 12 दूनी 24 हो जाता है, 24 और आप 26 लगाएंगे तो 30 हासिल 1 और 40 नंबर का फंसा है, आप देख सकते हैं पूरा 40 नंबर का पेपर फंसा है, और पेपर कितने नंबर का था आप लगा सकते हैं, पेपर था आपका, देखिए यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पेपर जो था वो 50 नंबर का था, 50 में से देखो 80% फंसा है, इस तरीके से कह सकते हैं कि 80% जो हमने कहा था वही क्वेश्चन आए, तो हर एक यूनिवर्सिटी किसी भी हो, हमने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वही तैयार करके जाइए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, बस आपके सिलेबस में यदि क्वेश्चन मैच कर रहे हैं तो समझ लीजिए, इनके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और जो भी आपके पेपर हुआ करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7037732 78 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो, जो भी पेपर है उसका फोटो भेज दिया करो, थैंक यू, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।